बताइए डिटेल्स। यस। चौदह जून 2018। ओके, 14। और एक मिनट रुकिए, जी, चौदह जून 2018। और ये जो है सर 4:32 PM शाम को। जगह जगह सर स्लॉग, ऐसे SLOUGH, इंग्लैंड। तो शायद यूनाइटेड किंगडम होगा। हाँ, यूनाइटेड किंगडम होगा। करेक्ट, हाँ, मुझे लगा ग्रेट ब्रिटेन हो सकता है। जी यूके है सर। स्टेट क्या है? स्लॉग सर लिखा था SLOUGH। ये वो सिटी होगी, अपने को अच्छा, स्टेट चाहिए। स्टेट पूछ अरे लीजिएगा, अच्छा, तब तक दूसरा लगाइए। हाँ, ये सर हमारे एस्टोसेज में तो निकल आया था। वो यहाँ पर स्टेट भी कंसिडर करना पड़ता है ना, यहाँ पे स्टेट में नहीं आता वो। ठीक है ना, दूसरी दूसरी बताइए, तब तक उनको पूछ लीजिए कि उनका प्रोविंस क्या है। दूसरी ये है, आपने भेजी थी ना दूसरी भी? 30 अगस्त 1981। 30 अगस्त 1981। ओह सॉरी, और 14:17 14-17 बीकानेर, राजस्थान। चलिए लगाइए, दशावतार लगाइए, मुझे बताइए क्या परेशानी हो सकती है। सर टाइम रॉन्ग लगा आपने, 14:17 होना चाहिए। 11:17। ओ सॉरी, 17। ठीक, हाँ बोल बोलिए। सर, या फैमिली या चिल्ड्रन या कुछ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड या लॉसेस हो रहे हैं, इस तरह का कुछ। और कुछ पर्सनल लेवल पे और या फादर से भी रिलेटेड। ओके ठीक है, ओके बताइए अली साहब। सर मेरे को इनका वही बच्चे और इनके लाभ के प्रॉब्लम, यानी प्रॉफिट में कोई कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा मेरे को दिख रहा था। देखिए, हाँ सर ठीक है, हिमांशु जी आप बताइए। हाँ इसमें बच्चों की प्रॉब्लम, यानी कि इनके मन में अभी क्या प्रश्न होगा, क्या प्रश्न लेके आए होंगे, उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। करेक्ट सर है ना। ओके,
और क्या हो सकता है? तो फाइनेंस तो थोड़ा इश्यू दिख रहा है, करेक्ट? मनी लॉस सर, मनी लॉस का भी दिख रहा है, उसके बाद में स्टेटस से लेके भी है, घर से लेके भी चिंता हो सकती है, माताजी से लेके चिंता हो सकती है, पिताजी से हो सकती है, भाग्य को लेके हो सकती है, करेक्ट? एक बार D10 देख ले लीजिए और D9 भी देख लीजिए। आपने डी बिजनेस से का भी हो सकता है सर, शादी का भी हो शादी का सकता भी हो सकता है सर, क्योंकि शादी में हाँ हाँ इश्यूज ठीक आएंगे। ठीक है। अभी अभी आप D10 भी देख लीजिए और D7 भी देख लीजिए, है ना? क्योंकि आपने जो जो चीज़ें बोली है क्या वहाँ पर हम लोगों को मिलती है क्या, देख लीजिए कहाँ कहाँ मिल रही है। शादी में मिल रही है, जी शादी में तो दो केतु इन फर्स्ट हाउस और मार्स इन सिक्स्थ। ओ सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया। ठीक, हमारा शुक्र है ना, बराबर। स्टेटस का भी दिख रहा है सर, स्टेटस स्टेटस का भी दिख हाँ, रहा नहीं नहीं स्टेटस नहीं लेना चाहिए, स्टेटस नहीं लगेगा। फर्स्ट हाउस पहला भाव तो एक्टिवेट नहीं होगा ना। हाँ नहीं, हो गया। ठीक, राहु की वजह से हो गया। लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये 9th और 11th, फिफ्थ ये फिफ्थ भी। भी आ रहा है, 12th भी है, हाँ जी 12th ये भी आ रहा भी। है ना? तो कौन से प्लैनेट की वजह से इशू है? राहु के वजह से है या शुक्र की वजह से है या कोई और है जो प्रभाव डाल रहा है? क्या लगता है इसमें सबसे अशुभ ग्रह कौन है? शनि तो क्या शनि शुक्र के ऊपर प्रभाव डाल रहा है? शनि महाराज ही शुक्र, सर, शनि तो डाल रहे हैं, उनके साथ ही बैठे, अच्छा राहु के ऊपर साथ डाल में ही रहा लगे। है, राहु के ऊपर डाल रहा है क्या? नहीं, राहु के ऊपर नहीं डाल रहे। हाँ नहीं सर, 10वीं दृष्टि होगी शायद ना। 1 2 3 प्रभाव कैसे कैसे चार डालते हैं, क्या पाँच छः सात क्या आठ नौ प्रभाव में क्या क्या दस देखते हैं नहीं हम लोग, कैसे देखते हैं प्रभाव में? नक्षत्र लॉर्ड है सर राहु का, हाँ नक्षत्र लॉर्ड है सर हाँ राहुल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो शायद अक्षर छोटे हैं इसलिए आपने देखा नहीं होगा। ठीक है, तो यानी शनि महाराज जो है वो शुक्र को भी प्रभावित कर रहे हैं और राहु को भी कर रहे हैं, करेक्ट? तो बताइए शैलेंद्र जी, क्या सीन है इनका? क्योंकि जी इनका तो ये बच्चे की दिक्कत है, बहुत और बढ़िया, शनि जो है सीधे उसके ऊपर दृष्टि यस भी डाल रहा क्या बात है। तो उपाय उपाय क्या देंगे? सर। उपाय क्या, वो आर्टिस्टिक वाला बच्चा है, मंद बुद्धि वाला। हाँ तो एक्चुअली बच्चे की कुंडली लगाना चाहिए हमने। हाँ सर, वो जो कुंडली है ना, वो बच्चे उन्हीं के बच्चे की है, जो हमने व्हाट्सएप पे दिया है, थोड़ा सा उस पर देख लीजिए। ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे पता चल गया ना बच्चे को प्रॉब्लम रहेगा करके। हाँ, और तो कुछ बताया नहीं, होगा हो सकता है इधर उधर नहीं और नहीं भी, वो लेकिन तो यही देखिए बात। परेशानी तो चल रही है, अपने नसीब को लेके थोड़ा सा परेशान होंगे, जी भाग्य आय आय में भी हीन परेशानी होगी, खर्चे बढ़ गए होंगे, जी। बिजनेस से रिलेटेड, स्टेटस से रिलेटेड, क्योंकि देखिए अभी बच्चा ऐसा है तो फिर थोड़ा सा स्टेटस से रिलेटेड भी हाँ आदमी को लगता है समाज में, है ना? पत्नी से भी नोक झोंक हाँ हो रही जी होगी, घर में थोड़ी शांति नहीं होगी, एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे, ट्रैवलिंग भी चल रहा होगा,
लेकिन ये ठीक इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मूलतः जो ग्रह है वो खुद अशुभ नहीं है, है ना, उसके सर ऊपर ये प्रभाव। पैसे पैसे की व्यवस्था बढ़िया है, इंग्लैंड में रह रहे हैं और डॉक्टर है शायद इनका पति। अच्छा, ये पत्नी की कुंडली है हाँ क्या? पत्नी हाँ तो की ठीक है, ये जॉब करती है क्या? पूछा नहीं सर, अब उसको हमको लगता है दिन भर देखती होंगी, हाँ ठीक है, ओके। सर वीडियो एक इसमें भेजा पांचवें था। भाव में शनि की भी दृष्टि साथ में हाँ डायरेक्ट दृष्टि पड़ गई। डाला डायरेक्ट। बिल्कुल, लेकिन देखिए सिर्फ शनि की दृष्टि से प्रॉब्लम नहीं रहता है जीवन में, हमेशा हाँ याद ठीक है। रखिएगा, कोई हाँ हाँ भी नहीं ग्रह अशुभ है जब ना तक, सर, अब जब तक वो अशुभ नहीं होगा अशुभ है। हाँ तब तक अपने लिए परेशानी नहीं हाँ है सबसे ना। अशुभ है सर जी। हाँ, तो ये अगर अशुभ हुआ तो फिर उसके बाद वो अपने को परेशानी देना शुरू करता है, और मैं अभी कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ कि आप लोग उस लेवल पे आ गए थैंक हो, और आज की क्लास है यू 35वीं, राइट, 35th या 36th क्लास है हमारी। सर जी। जी बस अभी मैं निश्चिंत हो गया, जी राहु और वीनस तो अशुभ नहीं है। नहीं है ना, अपने आप में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। राहु थोड़े से अशुभ है, राहु पूरे तरीके से अशुभ नहीं है, थोड़े अशुभ है, ठीक है। शुक्र तो कोई टेंशन ही नहीं है। ना सर नहीं बढ़िया सर, है सर। वीनस तो 2 बार आ रहे हैं ना, मारक में ट्वाइस आ रहे हैं हाँ लेकिन इतना बड़ा नहीं है ना जितना शनि महाराज है, जी बिल्कुल। इतने बड़े नहीं है ना शनि महाराज तो, यानी वो क्या बोलते हैं, ममता जी के केस में बोलते हैं ना, खेला खेला होगा, है ना, खेला हो गया ना पूरा यहाँ पर। खेला अब देखिए यहाँ पर लोग आपको बताते हैं, जो यानी फेसबुक यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी चलती है उसमें बताते हैं 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह हमेशा शुभ फल देता फल देता है, है। लाभ देता है, और कर देता है यहाँ। 11वें भाव में बैठा हुआ शनि, आप देखिएगा, इनको पूछिएगा कि शनि शनि की जब इनकी अंतरदशा आई होगी राहु में 16 से लेकर जी 19 तक, इनको जी फाइनेंशियल डेफिनेटली इश्यू होना चाहिए, यानी अब ये क्योंकि जॉब हाँ नहीं करती लेकिन इनको हाँ डेफिनेटली परेशानी होनी चाहिए, वो तो होगी सर। बिल्कुल होगी, क्योंकि हाँ 11वें भाव में सिर्फ ग्रह बैठने से कुछ नहीं होता ना। क्योंकि देखिए मेरा मानना तो बड़ा आसान सा है, ये कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो ये कुंडली तो 2 घंटे तक रही होगी। अब 2 घंटे में कितने लोग पैदा हुए होंगे, खुद बीकानेर में बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए होंगे, ठीक हाँ बिल्कुल सर। है। आप हिंदुस्तान की छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड से कुंडली में बदलाव आ जाते हैं, अक्षांश रेखांश से, बिल्कुल मैं मान लेता हूँ, ठीक है, तो षोडश वर्ग बदल जाते होंगे, ये भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन बीकानेर में जो बच्चे पैदा हुए उनके सारों के साथ ऐसा थोड़ा ना हो रहा होगा, करेक्ट? जी बिल्कुल और हाँ कैसे। बिल्कुल। तो हम लोग जब D30 लगाएंगे, D3 लगाएंगे, D9 लगाएंगे, D10, तो षोडश वर्ग का कमाल है ना ये। और अभी तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि जो ग्रह कोई अशुभ भी हो लेकिन उसकी शुभता कैसे ढूंढनी है और उससे सोल्यूशन कैसे लेना है, करेक्ट? यही असली चीज यही, सर। हाँ ये असली चीज है। क्योंकि होता क्या है, आप किसी के पास जाते हो, कई सारे ज्योतिष होते हैं कि महादशा चल रही है शनि महाराज की, अंतरदशा चल रही है केतु की, और वो उठा के मंगल का रत्न पहना देते हैं, बोलते मंगल पहन लो या मंगल के उपाय करा लो। क्यों जी क्यों करा लो? क्योंकि वो अशुभ होता है और वो प्रभाव डाल रहा होता है। लेकिन क्या है, ये विद्या जो है, ये जो चीज है, वो अभी तक बाहर निकली नहीं है, ठीक है ना। तो अभी कम से कम ये है कि आप लोगों को अभी पता है, यानी मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता पता ही हो जाती है कि भाई इसको ढूंढना कैसे है, कि जी बुराई में भी अच्छा ही कैसे ढूंढो और उसका सॉल्यूशन कैसे दे दो। हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि प्रॉब्लम ढूंढे, रेमेडी कहाँ से निकल के आ रही है, अगर रेमेडी दे सकते हैं तो प्रभु राम की कृपा से रेमेडी दे दे, जी प्रभु राम की कृपा से उनको लाभ भी हो जाएगा। क्योंकि मैं ये हमेशा कहता हूं कि वी आर जस्ट फॉर्चून रीडर, हम किस्मत पढ़ते हैं, हम किस्मत किसी की बदल नहीं सकते, जी है ना। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सर जो दिया है उस पे देखिए थोड़ा सा बिल्कुल बच्चे वाले देखते जी। हैं, बिल्कुल देखते हैं। ओके, ये दिया है क्या? जी लग्न ये नवांश है, लेकिन लगन कहाँ है? भी भेजा, दो दो भेजिए सर अच्छा, ये। लग्न भेजिए, ठीक है। कितना बड़ा बच्चा है? 4 साल का है, पांच लगभग शायद। 5 का, चंद्रमा 11 डिग्री का है, तीसरे में, राहु के नक्षत्र में है। हाँ
इसका D30 भी भेजिए ना फिर, अच्छा जी जी भैया, सॉरी दृष्टिकांड भेजिए। हाँ हाँ ठीक भेजें सर। सूर्य, म्यूट कर लीजिए साहब, किसका आवाज आ रहा है। मंगल, केतु, सूर्य, गुरु, D30 भी डाल दीजिए। यस, मुझे लगा ही था। राहु, शनि, शनि केतु सूर्य, यानी केतु सूर्य, शुक्र साहब, इनका मंगल और बृहस्पति, जी अच्छा, बस यही प्रॉब्लम है। बृहस्पति भी सर। अच्छा और शुक्र भी साथ में, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। इनका मंगल, मंगल अशुभ है और बृहस्पति अशुभ है, और उन्होंने पहली राशि को देख लिया है। अच्छा पहली राशि क्या है? मेष मस्तिष्क, जी, मस्तिष्क, हाँ मस्तिष्क, हाँ, पहला भाव या पहली राशि, दो में से कुछ हो जाए जी तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मुझे अच्छा मंगल तभी लग गया था जब मैंने देखा कि चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में आ रहा है, तभी मैंने समझ लिया कि नहीं, जी सॉरी, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में था, चंद्रमा जी राहु के नक्षत्र में था, हाँ, और राहु से आप गिनेंगे तो इसने सब गड़बड़ इसमें कर दी। शनि विपत और केतु प्रत्यारी और सन जो है वह आ रहा है। और सन जो है वो बाधक भी है मेरे ख्याल से, हाँ, ठीक है। सन का भी रोल है, लेकिन सन से सबसे ज्यादा रोल जो है वो इसका है, मंगल का और जुपिटर, बृहस्पति का। मंगल हाँ बृहस्पति, मंगल मंगल जी। बृहस्पति की उपाय दीजिए, इनको डेफिनेटली लाभ होगा। और अच्छा क्या है, दिक्कत ये है ना कि राहु की महादशा चल रही है हाँ, और ना, सर, राहु हाँ की, और राहु सर रा... जो, हाँ बोलिए। शनि का भी देना पड़ेगा ना सर, वो दृष्टि जो दे रहा था, नहीं, शनि अशुभ नहीं है ना, लेकिन नहीं उनकी में जो उनके वो हाँ, भी अपना उनके करें। इसमें तो बिल्कुल देना पड़ेगा, तो माता जी से भी लाभ हो जाएगा। हाँ क्योंकि बताते ये वाली बीमारी माता की वजह से बच्चे में आती है, जो मतलब पति पत्नी में झगड़ा हो या कोई दिक्कत होती तो बच्चे में ट्रांसफर होती है। नहीं अच्छा नहीं वैसा नहीं होता, ये जेनेटिक होती है, ये किसी के भी फैमिली से आ सकती है, सिर्फ माता के से नहीं आ सकती। आप अगर उस अच्छा परिवार में जाकर देखेंगे कि उनके परिवार में पहले किसी को हुई थी क्या, अच्छा हाँ, तो इसमें क्या होता है ना, ये जो बीमारी होती है, जी ये बीमारी में होता ये है कि उस व्यक्ति का लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। हाँ, बहुत स्लो है, बाकी हाँ, नॉर्मल है वो लेकिन स्लो। लेकिन लेकिन इसका इसका एक बहुत अच्छा फायदा भी है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। किसी एक विषय में वो इतना निपुण होता है व्यक्ति कि वो दुनिया के सभी विद्वानों को उसमें पीछे छोड़ सकता है, ये सही बात है अच्छा, सर, ठीक ये है। वो तारे जमी पर और कौन फिल्म में वो वाली हाँ, स्टाइल में। करेक्ट। जी तो मेरे मैंने पास डायरेक्ट ऐसी, देखा है हाँ, बिल्कुल, मेरे तो। पास जी मेरा मेरा एक कलीग है, उसका बेटा है, उसको इशू है ये, अच्छा और मैथमेटिक्स में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अभी वो 11 साल हाँ का है और जी साइंटिस्ट लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, लेकिन हाँ सिर्फ मैथमेटिक्स, बाकी सब में वो हाँ लर्निंग में हाँ बड़ा स्लो है। ऐसा बच्चा सर एक बार हम रामदेव बाबा ने मंच पे दिखाया था, कितना भी गुड़ा भाग करवा लो हवा में एक करता है एक वो, एक और ऐसी ऐसे वो लड़की की, मतलब एक लगता ऐसी लड़की की कुंडली है
जी कि वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दुनिया के सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेती, कोई सारे पॉइंट ज्यादा इंस्ट्रूमेंट। खुल जाता है। जी हाँ जी जी एग्जैक्टली तो इससे उनको बोलिए, इससे कोई डरने की बात नहीं है, वह प्रभु राम का आशीर्वाद है, वैसे ले लीजिए, है ना। सर, इसमें कौन सा मतलब ग्रह से संबंधित कुछ उसका पहला मतलब भाव, निकल सकता पहला है? भाव चंद्रमा जी बृहस्पति इससे अच्छा संबंधित रहे। सर, मैं कुंडली अच्छा बोलूं? हाँ और बोलिए सर सर, सर एक एक मैंने भी सेकंड, दी है कुंडली। एक सेकंड सर, सर इनका जो है कौन सा ग्रह मजबूत होगा उसी से संबंधित हो सकता टैलेंट निकले नहीं लेकिन जो कुछ। ये परमानेंट वाली चीज है साहब, ये ठीक होने वाली चीज नहीं है। नहीं, ये नहीं बता रहे हैं, जो टैलेंट निकलेगा तो इसमें कुंडली में जो ग्रह हाँ मजबूत बिल्कुल होगा उसी बिल्कुल से निकलेगा बिल्कुल सर बिल्कुल, जो फिफ्थ भाव के अच्छा ऊपर होगा। और उसका पांचवे भाव पे और पांचवे भाव के स्वामी के ऊपर प्रभाव होना चाहिए, उससे रिलेटेड फिर वो निकल जाए। ठीक हाँ, है ठीक। ओके बोलिए साहब। सर एक ग्रुप में डालिए मैंने, 28 हाँ दिसंबर 1984 1984 ओके 11:40 AM प्लेस अमृतसर पंजाब। पंजाब। तो आप लोगों ने ये तो पकड़ लिया कि व्यक्ति आया है तो मन में क्या प्रश्न लेके आया होगा, करेक्ट, बहुत बढ़िया, ये भी कम नहीं है। ठीक है चलिए करिए सब लोग एनालिसिस, 5 मिनट का समय है, अब 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दूंगा, 5 मिनट में एनालिसिस होना ही चाहिए, उसकी स्टोरी निकल के आनी ही चाहिए। आप लोगों की उतनी प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि देखिए हमारे कोर्स का, हमारी कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि पहले तो हम थेरी पढ़े हैं, करेक्ट, थेरी के बाद हमने कुछ प्रैक्टिस करी है, और उसके बाद 100 कुंडलियों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 5 मिनट में होना चाहिए, 5 नहीं तो 7 मिनट में, लेकिन हो जाना चाहिए एनालिसिस, करेक्ट। सिर्फ पेपर पर कीजिए ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। जी बताइए ज्योति जी। सर, इनको इनकम से लेकर हो सकती है प्रॉब्लम, और इनको कोई डिजीज से रिलेटेड भी हो सकती है, और उसमें स्टमक इश्यूज या चेस्ट रिलेटेड कुछ भी तरह का हो सकता है जिसकी वजह से खर्चा हो रहा है, और प्लस इनको हो सकता है कि बच्चों से रिलेटेड भी या फादर से थोड़ी रिलेटेड चिंता, कुछ हो। थोड़ा चिंता हाँ, हो। थोड़ी चिंता कंसर्न्स ज्यादा मुझे बीमारी या इनकम का कुछ इश्यू लगा, क्योंकि इनका D10 भी में वीनस 8th में आ गया, तो वो प्रॉब्लम कुछ सा। ठीक है बताइए शैलेंद्र जी क्या होगा, या अली साहब किसका हुआ, हिमांशु जी ने दिया सर था ये कुंडली। हाँ सर, इसमें बीमारी निकल रही है, हमको लगता है वो हॉस्पिटल भी जाएंगे। और ओके सर मेन सर यही बस लग रहा है हमको, और ये मेल है कि फीमेल। बीमारी हार्ट की भी हो सकती है सर, हार्ट की, तो ये कुल मिला बीमारी की कैसी होगी, तरफ क्रॉनिक जा रहा है। होगी हाँ, या ये मेल है फीमेल है। क्रॉनिक 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 सर, मेल है फीमेल है सर, क्रॉनिक बीमारी मेल है, हो सकती मेल मेल है ओके। तो क्रॉनिक। प्रभाव देखे आपने, प्रभाव जो है सर, अशुभ ग्रहों के प्रभाव देखे क्या। हाँ राहु का है सर, 5वीं दृष्टि 8वें भाव पे। भाव पे देखेंगे, ग्रहों पे देखेंगे, किस पे हाँ, देखेंगे, ग्रहों पे तो सर फिर जिसकी महादशा नवी दृष्टि, अंतरदशा है, हाँ नवी दृष्टि ये सर, जिसकी महादशा अंतरदशा होती है उसके ऊपर प्रभाव देखा जाता है। हाँ वीनस पे पड़ रहे सर, वो 12वें भाव नहीं में नहीं राहु। वो ठीक है, लेकिन आपने देखी क्या, मेरा सवाल ये है कि आपने अशुभ ग्रहों के प्रभाव देखे क्या। तो अभी नहीं देखा सर, हाँ तो ये फिर अभी तो देखिए बना है। पूरा, फिर एनालिसिस नहीं किया आपने। जी, सर मैं कोशिश करूं। हाँ बताइए चलिए। सर हो सकता है कि इनकी बीवी को कोई ऐसी डिजीज हो जिसमें इनका पैसा बहुत सारा चला गया हो,
और कुछ लेकिन बड़ा ही डिजीज। उसके लिए तो वाइफ की भी कुंडली देखनी पड़ेगी ना, सिर्फ डायरेक्टली इनकी कुंडली से कैसे देखेंगे? क्योंकि ज्यादातर इनका शुक्र, देखिए, जब किसी व्यक्ति की कुंडली आ रही है तो वो व्यक्ति के बारे में हम लोगों का, देखिए वो व्यक्ति आपके पास आया ना कुंडली लेके, तो वो अगर अपने पत्नी के लिए आया होता तो फिर वो पत्नी की कुंडली लेके आता, वो अपनी ओके कुंडली तो लेके क्यों आएगा? तो हम पत्नी का एनालिसिस क्यों करेंगे, ये भी एक सवाल है। हाँ सर, इसमें राहु गड़बड़ है, वीनस पे जो है डाल भी रहा है दृष्टि, नवी राहु गड़बड़ भी है और वीनस पे डाल भी रहा है। और सर वीनस खुद ही अच्छा नहीं है, हाँ वीनस वीनस मतलब वीनस खुद भी अशुभ है, खराब वीनस है। बहुत गड़बड़ है वीनस भी थोड़ा और उसपे चैलेंजिंग है। शनि की और दृष्टि आप भी है। देखिए, बुध की अंतरदशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, और बुध के ऊपर केतु का भी प्रभाव है, शनि हाँ का भी प्रभाव है, शनि तो का भी है जी, है ना, प्रभाव है ना उसके ऊपर। राहु के लेकिन ऊपर भी है सारों का। हाँ, लेकिन राहु का तो क्या संबंध नहीं है ना अभी, क्योंकि राहु की महादशा भी नहीं है और अंतरदशा भी नहीं है ना। हाँ, तो तो इनको ना तो सर यानी प्राणिक डेफिनेटली इनको इनको खुद को हेल्थ इश्यूज रहने के चांसेस है, करेक्ट? 2 3 4 5 हाँ क्रॉनिक डिजीज होंगी और हाँ, एक उससे खर्चा क्रॉनिक ज्यादा डिजीज से होगा। कुछ तो भी, हाँ, खर्चा भी होगा, और या कोई इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम हो गई होगी, क्योंकि बार बार भाव इन्वेस्टमेंट भी है ना, वो भी हो सकता है। और हो सके तो ये बहुत सारे डॉक्टर्स बदले भी होंगे सर, आई हाँ, थिंक। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये यानी उस प्रकार से देखा जाए तो बड़ी थोड़ा चैलेंजिंग ही चार्ट है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट अशुभ बन रहे हैं, बहुत अलग अलग लेवल पे, है ना, तो थोड़ा स्ट्रगलिंग समय दे सकते हैं। लेकिन बुध जो है वो खुद अशुभ नहीं बन रहा है, इतना नहीं बन रहा है। बुध की महादशा चल रही है, बुध के ऊपर प्रभाव है अशुभ ग्रहों के, लेकिन बुध खुद अशुभ नहीं है खुद ज्यादा, इतना, सिर्फ विपद है ना, हाँ जी सिर्फ एक करते हैं और कुछ। तो बाकी तो कोई टेंशन नहीं है ना उसका, है ना। जी सर ठीक है, बताइए हिमांशु जी, क्या सही? नहीं, नहीं। इनकी क्या है, ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से ये घर पे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, तो चीजें उठा के भी मारना घर पे, तो ये और एक इनको बीपी की प्रॉब्लम है। तो अच्छी खासी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो भी होगी। हाँ बीपी की है सर, और मेन इनका इशू है गलत ये जो ड्रिंकिंग का ज़्यादा है सर इनका, वेरी गुड। और गुस्सा बहुत, और घर पे मतलब कुछ भी ड्रिंक करके फिर पूरे घर पे बवाल मचाते हैं। तो इनकी वाइफ ने बताया था मुझे, तो उन्होंने कुंडली दी थी, तो वो नहीं तो बता रहे अभी थे कि देखिए, क्या अभी रेमेडी अभी अभी मैरिड अगर लाइफ इनको कोई क्रॉनिक डिसीज नहीं है, समझिए, नहीं है, हम क्रॉनिक लोगों का डिजीज तो नहीं। कंक्लूजन था कि इनको क्रॉनिक डिसीज होने की चांसेस है, तो इनको इनको लॉसेस होने चाहिए कुछ। इनका बिजनेस का है तो अप डाउन चलता रहता है सर। हाँ, क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है ना, तो लॉसेस हो गया, आठवां भाव है, तो कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। सर और ये पता है, अगर आप देखिए इसमें क्या हो सकता है कि राहु का प्रभाव है, तो इनके साथ फ्रॉड या चीटिंग भी हो गई होगी, और ये बता नहीं रहे। एक्चुअली क्या होता है ना कि हाँ आदमी, पीछे हुई थी सर। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्या होता है ना कि आदमी व्यक्ति दारू कब पीता है, जो ये टाइप के केसेस में जब आदमी को स्ट्रेस बहुत होता है तब वो दारू पीता है, राइट? तो इन्होंने तो सीधा सीधा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर ये अगर जांच कराएं तो सर हार्ट में दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल होगी, बीपी है डेफिनेटली तो, होगी, हार्ट में हार्ट वाला, और नहीं तो कुछ समय बाद ये निकलेगी बीमारी फिर बिल्कुल राइट निकलेगी, सर। अभी बिल्कुल राहु निकलेगी। तो एक्टिव नहीं है। नहीं, एक्टिव नहीं है, लेकिन शुक्र की वजह से चौथा भाव एक्टिव है ना, इसलिए बोल रहे हैं वो। राहु वीनस पे तो मार रहा अपनी दृष्टि। हाँ, वो दृष्टि दे रहा है, प्रभाव डाल रहा है, दैट इज ओके, लेकिन चौथा भाव खुद एक्टिवेटेड है ना, हाँ चौथा भाव एक्टिवेट है एकदम, तो बिल्कुल है, तो ये और आने आठवां वाले भाव समय भी में हार्ट हार्ट सर जो है इनका गड़बड़ कर बिल्कुल सकता है। और मेरे बिल्कुल को ऐसा बीपी दिख है रहा ना। है इनके किडनीज फेल होंगे सर। किडनीज फेल की बात नहीं है, लेकिन किडनीज को भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि क्या है, ज्यादा शुक्र जो है वो किडनी तो है, डेफिनेटली है, लेकिन मैंने वो रिलेशन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पांचवें भाव पे किडनी का, शुक्र का प्रभाव नहीं है, पांचवें भाव पे हाँ बुध बुध का प्रभाव है, क्योंकि बुध उसका स्वामी है, करेक्ट? जी हाँ, जी और बुध जो है वो खुद अशुभ नहीं है इतना, जी वो सिर्फ प्रभाव में है,
तो जो जो ग्रहों के प्रभाव है उनका इनको उपाय करने लगाइए, लेकिन अभी की सिचुएशन में मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा कुछ करेंगे। सर ये ओके ज्यादा गुस्साएंगे तो हार्ट पे ही झटका लग सकता है, बिल्कुल जो डेफिनेटली, बीपी हार्ट का हार्ट तो दिखा है ही देगा। है, हार्ट तो है ही है। वही बीपी की प्रॉब्लम है सर, गुस्सा करता है, फिर ड्रिंकिंग बहुत और वो एक्चुअली ज्यादा ड्रिंकिंग करना इसमें, नहीं चाहिए आइडियली। हार्ट ही झटका देगा जब देगा तो। तो इनको सर वीनस का उपाय देना चाहिए अभी। वीनस का तो देना ही चाहिए, साथ में जितने भी अशुभ हो रहे हैं सभी, इनके बहुत सारे ग्रह अशुभ हो रहे हैं हाँ सर, तो उनको सभी के आपको उपाय कराने पड़ेंगे। आप तो आइडियली देखा जाए तो इनके महामृत्युंजय का जाप ही कराइए इनसे, लेकिन ये ओके करेंगे सर, नहीं क्योंकि ये तो नहीं करेंगे 8वां भाव है ना एक्टिवेटेड, वो नहीं करेंगे। ठीक है चलिए बताइए नेक्स्ट। मेरा सर एक एक तारीख, एक मिनट, अभी आपने बोला और बाद में बोला तो मैं रख दिया, एक हाँ 1 तारीख फ़रवरी 1957 57 हाँ ओके। रात के 8:30 बजे जयपुर राजस्थान, मेल है सर। हेलो ठीक है हो गया। चलिए बताइए। बताइए सर आप हो गया मनी बोले ना, मनी लॉस का प्रॉब्लम बुध में शनि, बच्चों से सिर्फ प्रॉब्लम बच्चा नहीं बोल सकते, सिर्फ बच्चे। हाँ तो अभी देशकाल पात्र के हिसाब से बच्चे हो सकते हैं, बच्चों से लेके चिंतित हो गए। देखिए हम यहाँ पे उनका कारण ढूंढ रहे हैं, किस कारण से हमारे पास वो कुंडली लेके आए हैं, है ना। तो हम लोग ये पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि ठीक है फाइनेंस तो डेफिनेटली इशू होगा, ठीक है फाइनेंस का इशू हो सकता है, या बच्चों से संबंधित परेशानी हो सकती है, बच्चों के लिए चिंतित हो सकते हैं, करेक्ट। सर, ठीक है और प्रॉपर्टी एक घर का प्रॉब्लम दिख रहा है सर, का। प्रॉपर्टी का इशू आ रहा है। लेकिन आपने जब प्रॉपर्टी बोला तो मुझे D4 लगाने के लिए क्यों नहीं बोला। वो देखना है सर अभी। और क्या होगा, फाइनेंस तो पक्का दिख रहा है। फैमिली को लेकर परेशानी, फैमिली फैमिली का मतलब क्या है, पत्नी की बोल रहे हैं या पूरा परिवार बोल रहे हैं। परिवार का परिवार पत्नी नहीं, को
मैरिज में हो सकती है, D9 में लेकिन थोड़ा सा इशू है क्योंकि देखिए सैटर्न का अभी टाइम चल, 50 57 की एज है, तो मैरिज में प्रॉब्लम इतना प्रायोरिटी हो सकती है क्या? नहीं इतनी प्रायोरिटी नहीं है सर इसीलिए ना ज्यादा, प्रॉपर्टी तो फिर इनको मकान की लग रही है, प्रॉपर्टी का इशू क्या लग रहा तो शनि अशुभ हो रहा है क्या, या बहुत प्रभाव हो रहा अच्छा। है, प्रभावित हो रहा है? सर शनि नहीं अशुभ अशुभ भी है है, सर, मारक भी है, D30 में भी आ रहे हैं, विपत भी है। तो थोड़ा चिंता का समय बन सकता है। हेल्थ इशू होगी नहीं होगी? फोर्थ हाउस से तो हार्ट 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 में जा सकता है का सर। प्रॉब्लम, छठा हाँ सर, जी सर छठा हेल्थ भाव भी हो सर, सकता है, छठा 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 भाव बहुत, हाँ तो एक्टिवेट फिर है। ज्यादा ज्यादा बड़ा नहीं होगा ना, फिर एक्यूट डिसीज होगा ना, क्रॉनिक नहीं हाँ होगा। हाँ जी क्रॉनिक नहीं है, छोटा मोटे प्रॉब्लम कुछ छोटा शनि मोटा से है। रिलेटेड ही सर हो सकता है। हाँ हाँ जी शनि से फोर्थ हाउस से रिलेटेड बिल्कुल हो सकता है। और बुध अशुभ है क्या? बुध, बुध इतना नहीं नहीं है हल्का सर इतना, थोड़ा सा है, हल्का मारक है। हाँ हल्का। और प्रभाव जी अशुभ ग्रहों के प्रभाव पड़ रहे हैं क्या कुछ? है प्रभाव, जुपिटर का भी है, तो ये और पूरे क्योंकि कुंडली में आपको प्रभाव किसका लग रहा है? सर मंगल का प्रभाव शनि पे आ रहा है और मंगल भी बहुत अशुभ है। हाँ जी और जुपिटर का छठे भाव पे जुपिटर भी आ रहे थे, मंगल बहुत अशुभ है, क्यों? ये बाईस 22 देश कहाँ कांड पे, पे आ 22 रहे हैं। देश कांड में एक ही बार आ रहा है ना सर, हाँ बस एक बाधक बार, भी है, एक बार एक बार बाधक है और एक बार, और बाधक जुपिटर ज्यादा मुझे शुभ लगा। हाँ, जुपिटर की पांचवी दृष्टि है इधर छठे भाव पे। हाँ सर नहीं फिर से आपने छठे भाव पे क्यों दृष्टि देखी? मैं अभी पहले भी आपको यही सवाल पूछा था कि प्रभाव जब देखेंगे तो भाव पे देखते हैं या ग्रह पे देखते हैं? मेरा सवाल बड़ा साधारण सा था, तब तो आपने बराबर हाँ उत्तर हाँ दिया। अब फिर जी से आप जी दृष्टि लेके फिर भाव पे चढ़ गए। भूल गए अरे सर कैसे, क्या भूल रहे हैं? ऐसे ऐसे नहीं जी भूल सकते आप। फिर आप एक काम करें, आप 5,000 रुपये अकाउंट में मेरे ट्रांसफर करें, फिर नहीं सर, भूलेंगे। एक ये पेनल्टी दे दीजिए, फिर लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे। कहते ही जो है याद हो जाता है, जैसे आप 5,000 वाली बात करते हो दिमाग में बैठ जाता है कि बहुत गड़बड़ ये दिक्कत क्या है ना, कोर्स मैं बड़ा सस्ता रख रहा हूँ, मुझे मेरे मुझे लगता है कि कोर्स थोड़ा महंगा कर दिया जाए तो वैसे भी याद रहना शुरू हो जाएगा। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बताइए। सर इनका जो दशांशा चार्ट है उसमें भी है, 8th हाउस में मरकुरी है, 8th हाउस में दशांशा में कहाँ दिख रहा है साहब? ये ये दशांश चतुर्थांश, सॉरी D10 में, D10, D10 D4 में, हाँ सॉरी ठीक है D4 ठीक है, थोड़ा परेशानी दिख रही है, बताइए क्या है इनका? सर। इनका जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली ना सर, इनकी पहली बीवी का डेथ हो गया, तो इन्होंने, मेरे दोस्त हैं मैडम, तो उनसे शादी की, उनकी लाइफ अच्छी है, और घर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इनका, इनकी कंपनी और इनका बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा है। इनका जो पार्टनर था उनको बहुत खतरनाक धोखा दे दिया है, और बहुत वो बढ़िया। हाँ ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह उनको मोबाइल नंबर भी दिए और वाच, ये सारी चीजें देने हैं, तो वो मेरे पे बहुत विश्वास करते हैं सर। बेचारे हैं बहुत देखिए फिफ्थ, बूढ़े और बहुत दिलदार हैं। हाँ देखिए 5th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है हाँ और 5th हाउस यहाँ पे भी एक्टिवेट हो रहा है, हाँ और यहाँ पे अच्छा बृहस्पति अच्छा साथ में बैठा हुआ है। दशमशा में तो मैंने क्या बोला था, 8वें भाव से 10वें भाव से 8वां भाव, लगन लग्नेश, दशम दशमेश, यहाँ पे दशमेश कौन बन गया और लग्नेश कौन बना? दो भी गुरु पांच और वो भी 5वें भाव में बैठा है। ये भाव, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गया रहेगा साहब इनके बिजनेस में 2020 से, हाँ सही है सर, सही है, हाँ बराबर? तो आप बराबर। और हाँ, तो उनका उनका जो पार्टनर था वो बहुत बड़ा सब धोखा दे दिया सब सर। जो सब मुझे शादी, बताइए, सब छोड़ दीजिए, उपाय क्या देंगे? आप प्रॉब्लम तो बोलो ठीक है, आपने प्रॉब्लम पकड़ लिया, घर का भी प्रॉब्लम है, घर बनाना चाहते हैं, फाइनेंस का इशू आ रहा है, फाइनेंस भी आपने पकड़ लिया। और उनको एक ही लड़की है सर, एक ही बेटी है, हाँ ठीक है, दैट इज ओके, उपाय क्या देंगे? महामृत्युंजय। ठीक है, और एक ग्रह का अगर मैं बोलूं कि एक ग्रह का उपाय दीजिए, कौन से ग्रह का देंगे? गुरु का बस उनको बोलिए गुरु ठीक कीजिए, हो जाएगा। अब गुरु ठीक कैसे होगा? गुरु क्या है इसमें? गुरु शुभ भी है क्या? गुरु के पास कोई शुभता है क्या? देख लीजिए।
संपत है, लेकिन गुरु के पास छुपता नहीं है सब कुछ। कुछ नहीं था। लगन कुंडली में आठवें का स्वामी है, नवांश में छठे का स्वामी है, तीसरे का स्वामी है, तो सर हाँ सर इनका जो है जो शादी गड़बड़ हुई थी तो वो छठे भाव की वजह से शादी तो नहीं हाँ गड़बड़ हुई हाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसी की वजह से। तब आप बोलोगे कि बृहस्पति की दृष्टि में हुआ था, हाँ तब आप बोलोगे। लेकिन जब जी। हम किसी दशा अंतर दशा की बात कर रहे हैं, तो प्रभाव सिर्फ उन ग्रहों पे ही देखना है, भावों पे नहीं देखना है। ठीक है, जी इनकी शादी में प्रॉब्लम कब आया था? 2015-16 में आया या अभी आया, पहली वाली बीवी का? नहीं अभी नहीं सर, बहुत साल पहले 2015 में आया क्या? शायद। क्योंकि क्या है, देखिए 2015 में क्या हो रहा है, बुध में चंद्र की अंतर आ रही है, चंद्र सातवें में बैठा हुआ है, और यही चंद्र जो है वो नवांश में कहाँ बैठा है, तीसरे में। तीसरे में। तो ये पूरा की पूरा पूरी पूरी स्टोरी लग रही है यहाँ पर। 2015 बराबर। चेक कर लीजिएगा, वो मिल जाएगा, वो डेट वही रहेगा, वही टाइम पे कुछ हुआ रहेगा, पूछूंगा सर। है ना? और सर वीनस भी जो है छठे घर में है तो वो भी तो शादी तोड़वाएगा नहीं, क्यों क्यों जुड़वाएगा भाई, ऐसा सर, क्यों? उसका हानि है ना सर, वो जो अरे सातवें घर का वैभव, सातवें का, अरे सातवें का सातवें का, बागवान बोल रहे हो। अरे लेकिन सातवें का स्वामी थोड़ा ना है भैया, वो अच्छा हाँ कुछ स्वामी भी तो ना कारक सर है। इसलिए आप भी YouTube जी। वाली बात कर रहे हैं, फिर क्या फायदा हुआ कोर्स का? तो सर हाँ कारक कारक का कुछ तो रोल होता होगा सर होता है ना, कारक से जी। आपको हैप्पीनेस पता चलता है। अच्छा एक होती है घटना, और घटना से मिलने वाला सुख, वो सुख जो है वो कारक बताता है जी वही इंडिपेंडेंटली। मतलब तो इसमें हाँ शादी का जो है वो मतलब सुख थोड़ा सा वीनस छठे की वजह हाँ से तो कम कर बिल्कुल रहा है ना, तो बिल्कुल कम है। हुआ ना, लेकिन जी बाकी उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि वो ना हाँ वो हाँ सातवें भाव का स्वामी है, ना सातवें भाव में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है उसका रोल। वो हाँ प्लेजर इनका हाँ तो आनंद कम कर दिया आप लोग ना अभी भी वो YouTube फेसबुक से निकले नहीं पूरे तरीके से बाहर। कारक सर जो सर शादी अभी वाला क्या, हमेशा तैयारी कुछ देखा कुछ नहीं चीजें तो पकड़ ही लेते हैं और मेरे सामने लेके आ जाते हैं। इधर 35 सेशन होने के बाद भी वो आ ही जाता है आपके बने। सर इतने साल उसका YouTube का कोर्स किया है ना सर। हाँ इसीलिए बहुत वो सालों से भूलने पढ़ भूलने नहीं दे रहे रहा आपको। हैं। हाँ वो आ जाता है। सर इनकी आने वाली दशा और खराब होगी क्या सर, क्योंकि बुध के केतु बाद की केतु फिर आएगा। 6:8 हो रहा है अब जो हाँ है, 2:12 यानी वो रिलेशन हो रहा है। नहीं, केतु किस किस का रिजल्ट देगा ये बताइए, केतु किसका किसका रिजल्ट देगा, क्या क्या रिजल्ट देगा, कौन से भाव के? के नहीं, वो तो देगा सेकंड हो गया, पहले तो केतु खुद का देगा ना। तीसरा। हाँ हाँ जी हाँ तीसरा और सातवां और ये छठा ये तीसरा कहाँ कहाँ ये चले गए, कहाँ चले सर गए? दृष्टि जो है उसकी पड़ेगी ना फिर तीसरा, केतु दूसरा की तीसरे दृष्टि पे 10,000 रुपये दूसरा ट्रांसफर कीजिए। नहीं हाँ सर तीसरा भाव वो दूसरा भाव। दूसरा हाँ भाव, सीधा दूसरा दस भाव हजार रुपये ट्रांसफर करो। दूसरा भाव चौथा भाव जी। हाँ सर घर में कुंडली बहुत निकाले हैं तो बिल्कुल हैंग हो रहा दिमाग। बहुत ज्यादा सब देख देख कुंडली कुंडली। ठीक है, अभी मुझे बताइए कि केतु के ऊपर अशुभ ग्रहों का किसी का प्रभाव है क्या, और केतु खुद अशुभ है क्या? राहु का है, शनि का है, शनि का है, शनि किसी दिशा में शुभ है। शनि का तो इतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा मुझे, दो तीन चार मेरे ख्याल से तो बृहस्पति का ही प्रभाव है गुरु का ना? और जी छठे सर बिल्कुल। और छठा नाइन्थ भाव, और छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है, दैट इज ओके। छठा भाव एक्टिवेट होना अपने लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर्जे वर्जे में जाने के चांसेस है, क्योंकि छठा भाव कर्जा लेने के चांसेस है, इनको बोलिए कर्जा ना ले। हाँ बिल्कुल भी सर अच्छा दूर रहे। ठीक है सर। क्योंकि क्या है, बृहस्पति के उपाय अच्छे से कराइए, महामृत्युंजय कराइए, बृहस्पति का तो रेगुलर उपाय कराइए, पुकरा से दूर रखिए, ओके पीले पेड़े चना दाल इन सब से दूर रखें। यानी सर जो जो प्लैनेट अशुभ हो रहा है हाँ उससे दूर उसके रहना है। रिलेटेड उसके रिलेटेड कपड़े हो गए, चाहे वो देखिए क्या खान पान हो है, गया। देखिए वास्तु का और वैदिक का या किसी भी एस्ट्रोलॉजी का रूल बड़ा सिंपल है, जो ग्रह, इसका मतलब है जो एनर्जी आपके लिए अशुभ है, आपके लिए यानी जो व्यक्ति की कुंडली है उसके लिए, जी जी वो जब तक आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे मेरा बृहस्पति अशुभ है,
और मैं बताता हूं सब लोगों को कि 20 में से 12 शर्ट मेरे पीले कलर के होते हैं, वो हाँ यानी इतना होने के बाद भी, मुझे पता होने के बाद भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ठीक है, मैं खाऊंगा तो रसमलाई खाऊंगा, और मुझे केसरी पेड़ा ही पसंद है, पूरी दुनिया को पता है कि इसको केसरी पेड़ा है, तो जब भी कोई मिठाई लाएगा तो वो वही लेके आएगा पीली वाली। सर वो पूरा माया का काम होता, जो नहीं चाहिए बिल्कुल, वही इसी अच्छा को लगे, माया वही कहते हैं, आता है इसी को ना, वही आती है, वही आती खींचता ही है है, सर। और उससे हाँ बचना होता है। जी और सर, अभी अभी भी अगर आप देखेंगे तो मैं पीले कलर का शर्ट ही पहन के बैठा हूँ। ओह माय गॉड ठीक सर, है, वो ये छूटता नहीं है, मैं वो आपसे वो छूटता नहीं है, वो आता ही है आपके लाइफ में, वो जब तक आएगा नहीं तब तक एक्टिवेट नहीं होगा। बिल्कुल, मैं तो ये जो ग्रह अशुभ होते हैं, ये पूरी कोर्स में मैं यही पढ़ाता हूँ सबको, यानी ये मैं और सभी जो शाखाएं हैं इसमें और वास्तु में भी, कि भैया जो अशुभ है पहले उसको ढूंढो और उसको दूर करो। वास्तु में क्या करते हैं, वास्तु में वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर उसको ठीक करते हैं, करेक्ट। यहाँ पे जी हमको सर। वो एनर्जी को लेके ही नहीं आना है अपने पास। मैं एक्चुअली कैंसर पेशेंट्स को मैं अक्सर बोलता हूँ सर मेरे, कि वो पूछते हैं सर हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो मैं बोलता हूँ जो चीज आपका मन बोलता है ये खाना है वो मत बिल्कुल नहीं खाओ खाना है, जो चीज से आप कतराते हो वो चीज आपके लिए अमृत बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज जबान को बहुत अच्छी लगती है उससे हमेशा परहेज करो, और जो है जबान को अच्छी नहीं लगती वो खाओ, लाइफ बहुत अच्छा रहता है। ये सूत्र ही है, यानी बींग हेल्दी, आपको हेल्दी अगर हाँ रहना है तो। बिल्कुल सर, हम हर जगह जैसे अवॉइड नहीं कर सकते, चंद्र शुभ हो रहा है तो वाइट चीजें तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तो लेकिन जितना हो सकता उतना कीजिए, और बाकी उतना, चंद्र के उपाय करते रहिए, हाँ सर। है ना। सर एक और चीज, ये जो आपका केपी का फ्री कोर्स चल रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग आगे भी मिलेगी? हाँ, वो तो आ ही रही है ना यूट्यूब पर, हाँ सर आ रही है, यहाँ वो बस यूट्यूब पे है, क्योंकि आ रही है। सैटरडे को ऑफिस होता है तो 1 बजे नहीं हाँ, तो देख वो तो उसकी सकते। थेरी पार्ट तो चल ही रहा है। हाँ सर, अरे भैया, मेरे जितने भी वैदिक वाले लोग हैं ना, वो सब मुझसे आज नहीं कल केपी भी पढ़ते हैं। समय वही सर, मैं अब केपी का लगता है, आपका दो केपी पढ़ते लेक्चर ही है, देख चुका हूँ। केपी के बाद वो मुझसे नक्षत्र या भृगुनंदी नाड़ी पढ़ते हैं, और उसके बाद वास्तु पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को प्रिडिक्शन करनी है तो वैदिक सफिशियंट है, ठीक है, लेकिन आपको अगर मास्टर बनना है कि फिर आपके जी पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और वो आप ठीक कर रहे हो, तो आपको कम से कम 4 कोर्सेस मुझसे करने चाहिए, ऐसे मैं सबको बताता हूँ। थोड़ा पैसा खर्चा होगा, लेकिन इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। जी वैदिक कर लो, केपी कर लो, भृगुनंदिनी नाड़ी या नक्षत्र कर लो, ये तीनों वेरिफिकेशन का काम करेंगे, वास्तु कर लो, बस ये जी तीनों कर लो। ये चार अगर चीजें आपके पास आ गई, आप किसी भी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए सक्षम हो गए, कोई दिक्कत नहीं। और यूजुअली लोग करते ही है, लोग पहले वैदिक करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर वो लोग किसी और के पास जाके केपी लगाते हैं, फिर उनको सर समझ में नहीं आता, फिर वो वापस मेरे पास आते हैं, फिर बोलते सर केपी पढ़ा दो। एक ही जगह से रहना चाहिए तो उससे सब ट्यूनिंग नहीं, बढ़िया बनी मेरा रहती है मानना सर। यह है कि जब आपको एक बार पता चल गया है कि वैदिक में ये हम लोगों को सर ने प्रेडिक्शन पढ़ा दी, जो कमिटमेंट था, क्योंकि इसी कमिटमेंट के भरोसे आप मुझसे ज्वाइन हुए थे क्लास को, कि सर प्रेडिक्शन पढ़नी है, ज्योतिष तो हमने पढ़ ली थी। ऐसे तो जी कई लोग होते हैं जो ज्योतिष कहीं ना कहीं से करके ही आते हैं, हाँ सब पूरा यानी पचास पकड़ना हजार पड़ 1 लाख रुपए तो खर्चा करके आते हैं। वो अली जी साहब जैसे बड़े कम लकी लोग होते हैं कि डायरेक्ट पहले ही क्लास में आते हैं और प्रेडिक्शन हो जाती है, तो वो सर, हम भी मतलब पहले सबसे पहली बार क्लास किए हैं, हाँ, मतलब तो फिर आप भी किस्मत वाले हो, लेकिन हाँ मेरे सर, पास प्रभु श्री यूजुअली राम को हम भी मानते हैं ना सर। सर हाँ मैंने बिल्कुल भी पहली बार की है बस जी, हम लोगों का तो तीर निशाने पे लगे तीर निशाने पे लग गया, सही बात है, सर प्रभु राम ने सुन ली। तो लेकिन लेकिन क्या मेरे होता है कि मैं को यूजुअली ये पता लोगों को बताता भी हूँ, और ये इसी सिस्टम से मैंने भी फॉलो किया है, ये सक्सेसफुल मेथड है, कि पहले वैदिक पे कमांड ले लो, वैदिक के हाँ बाद केपी पे ले लो, केपी के बाद भृगुनंदी नाड़ी या नक्षत्र ले लो, और उसके बाद वास्तु पढ़ लो, वास्तु पढ़ लो, और उसके बाद फिर खत्म, फिर उसके बाद आप पढ़ते रहिए, जीवन में पढ़ने को मना ही नहीं है, लेकिन फाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। अभी जैसा आप लोगों का प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है, बस हो गया, और क्या चाहिए। आप लोग ज्योतिष क्यों पढ़ना चाहते हैं, कोई ज्योतिष में मजे के लिए तो नहीं पढ़ रहा है, उसको लगता है कि भाई मैंने प्रेडिक्शन देनी चाहिए इसीलिए पढ़ रहा है, तो फिर वो प्रेडिक्शन में पढ़ा देता हूँ, मेरी तो कमिटमेंट है ना। मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ये कमिटमेंट देता होगा कि मैं आपको प्रेडिक्शन पढ़ा दूंगा, कोई और नहीं आप लोगों की देता। तो एग्जाम्पल चल रही है, तो मजा आ रहा है। मुझे भी मजा आता है जब मेरे स्टूडेंट प्रेडिक्शन देते हैं ना, तब मुझे मजा आता है कि यार एक बहुत अच्छी चीज डिलीवर हो गई मुझसे।
सर यार जिस वो दिन हमने जिस दिन सर सोचा था कि अब लग रहा हम कभी नहीं सीख पाएंगे, बहुत दिन से हम परेशान थे। 97 में पहली बुक खरीदे थे, तो बस उसके बाद जो है फट से आपका आ गया। तो हम जी राम भगवान को बहुत मानते हैं, हमारे बगल में ही है अयोध्या, तो हमने कहा डायरेक्ट लग रहा आदेश आ गया है, तुरंत एंट्री। तो वो किस्मत की सर बात होती है। सही बात है, सही बात, बिल्कुल बढ़िया। सर, हाँ वो भृगु नंदी नाड़ी वाला तो आप कह रहे थे वो फ्री वाला है, वो पेड वाला भी अलग से है क्या? पेड़ वाला है, पेड़ वाला अलग से। ये तो फ्री वाला तो मैं उसमें आइडिया बता देता हूँ, क्योंकि उतनी भी आइडिया नहीं है मार्केट में। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 30-30 हज़ार 50 हज़ार रुपए लोग खर्चा करते हैं उसके ऊपर, और प्रेडिक्शन तब भी नहीं आती। जी मुझे सर, बड़ा नंदी आश्चर्य नाड़ी होता है। हमने किया था सर, बहुत बढ़िया बताया था हमने, बिल्कुल, BNN आपने किया मैंने तो एक था क्रैश कोर्स भी कराया था 15 दिन का, 2100 रुपये जी। में कराया था सिर्फ। और जितने स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट पढ़ाए थे मैंने उसमें, तीन बैचेस ली थी 2100-2100 की, और वो जी तीनों लोग, तीनों बैचेस के सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप पेड़ वाला लेके आइए, पेड़ वाला लेके आएंगे तो हम ज्वाइन कर रहे हैं, बस कितना भी पेमेंट रहे उसका, लेकिन आप 3 महीने में भृगु नंदी नाड़ी पढ़ाइए और बस बात खत्म हो गई। तो मतलब वो कर लेंगे, अभी तो मेरे पास समय नहीं है क्योंकि अभी कोई स्लॉट फ्री नहीं है, जब होगा तो कर लेंगे। ठीक है, जी